नाबालिग लड़की के लापता होने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का मामला सामने आया है। मामले में नाबालिग के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला खजराना थाना के पटेल नगर का है। यहाँ रहने वाली शकीला बी ने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की को साहिल नामक युवक बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया था, जिसकी शिकायत खजराना थाने पर की गई है। इसके बावजूद 5 से 7 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही आरोपियों को पकड़ा गया। वहीं परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि पुलिस की साठगांठ के चलते आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। मंगलवार को पीड़ित परिवार द्वारा इंदौर डीआईजी को मामले की शिकायत की गई। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा जांच की बात कही गई है। 5 दिन हो गए, आप लोग आवेदन देना है या डीआईजी ऑफिस से, पूरा क्या मामला है भैया? वहाँ थाने पे जा रहे हैं, 5 दिन हो गए, हमारी नाबालिग बच्ची है, 5 दिन हो गए, उसको कोई पते नहीं चल रहे हैं। और थाने पे जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं तो बोले शाम को मिलेगी, सुबह फिर ऐसे ही चल रहे हैं, एक दो दिन करके बतला रहेंगे। और वहाँ जा रहे हैं तो बोले कोई हम जादूगर थोड़ी ना जो तुम्हारी छोरी को ढूंढ देंगे, बोले पहले तुम भगवा देते हो फिर हमारे पास भग के आते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ पे थाने पे हमारी। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। एफ आई आर दर्ज करवाई थी सर, सुबह 11 बजे से बैठे रहे थे तो शाम को 8 बजे FIR दर्ज करके दी थी हमको, उसके बाद अभी तक कोई पता नहीं उसका। अधिकारी का नाम क्या उनका? अभी अधिकारी का नाम है दीपक विश्वकर्मा। यहाँ डीआईजी ऑफिस काई के लिए आए सर? वहाँ सुनवाई नहीं हो रही इसलिए यहाँ पे आए। आपका नाम? मोहसिन। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।